बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं कोई कोई स्टीम चिकन या रोस्ट चिकन की रेसिपी आपको बता रही हूँ। मैंने 1 किलो चिकन ड्रम स्टिक्स और ये चिकन का थाई पीस लिया है, तो ये बस 1 किलो है। और ये मैंने थोड़े से मसाले लिए हैं, तो ये मैंने चिली पाउडर लिया है 1 चम्मच, हाफ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, गार्लिक पाउडर लिया है मैंने 1½ स्पून, ये मैंने धनिया पाउडर लिया है 1 स्पून, ये मैंने पेपरिका पाउडर लिया है 1 स्पून, ये जीरा पाउडर लिया है मैंने 1 स्पून, सॉल्ट लिया है 1 स्पून, आप अपने हसबे जायका ले ले, और ये थोड़ा सा मैंने फूड कलर लिया है जर्दे का कलर थोड़ा सा 1/4 टीस्पून, ये मैंने एक पोटैटो ऊपर से मैं रखूंगी इसको ओवन में, तो ये मैंने एक पोटैटो को रिंग्स काट लिए हैं, ये मैंने सोया सॉस लिया है, ये मैंने लेमन जूस लिया है, और बस थोड़ा सा ऑयल जाएगा 1 या 1½ स्पून। तो बस मैं ये सारे मसाले मिक्स करती हूँ और फिर इस पे लगाती हूँ। तो सबसे पहले ये सारे जो मसाले हमने लिए हैं इनको हम मिक्स कर लेंगे। और ये लेमन जूस और सिरके को हम डाल देंगे, ये 2 स्पून मैंने लेमन जूस इसमें डाला है, और ये सोया सॉस भी हम, आपके पास लेमन जूस नहीं है आप सिरका डाल ले तो कोई सी भी एक चीज, तो ये मैंने 1 स्पून के करीब सिरका डाला है, तो ये हम मिक्स कर लेंगे। और बस ये हम अपना जो हमने ये मसाला रेडी मिक्स किया है सारा, ये सारा इसमें डाल देंगे और चिकन को अच्छी तरह कोट कर देंगे। बस अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, मैंने कट लगाए हुए ये देखें चिकन पे, ऐसे कट लगा दें ताकि अच्छे से सारा मसाला इसमें हो जाए। और बस इजी है, इसको हम 1-2 घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख देंगे। जितना आप लॉन्ग टाइम के लिए रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो ये देखिए सारा मसाला हो गया है, अच्छे तरह सारे पीसेस पे आप काट लें, और ये हम तो 1 स्पून के करीब बस ये ऑयल लेंगे और ये भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। बस अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी क्लिंग फिल्म लगा के 2 घंटे के लिए, तो आपके पास अगर ज्यादा टाइम है ओवरनाइट रख दे, आपकी मर्जी है जितना आपके पास टाइम है। तो ये देखें बस ये हमने कर लिया है सारा मसाला इस पे, तो बस इसको हम ओवन में रख लेंगे बाद में या जो भी। ये 2 आवर्स हो गए मैंने मैरिनेशन किए हुए, बस ये मैं पोटैटोस पे रख दूंगी। बस एक पोटैटो मैंने डाला है, तो बस मैं एक पोटैटो ऐसे करके और ये फॉइल से इसको रैप कर दूंगी, और 1½ आवर के लिए मैं ओवन में रख दूंगी गैस मार्क 6 पर। तो आप अपने अंदाजे से देख लें कि आपके ओवन में कितना है, और अगर आपने स्टीम करना है तो बस 1 घंटे के लिए आप स्टीम कर लें उसको पैन में, या जिस तरीके से भी आप स्टीम करते हैं। तो बस मैं आपको फिर जब ये कुक हो जाता है 1½ आवर में फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ओवन में से निकाल लिया है, 1 आवर 30 मिनट्स मैंने रखा है इसको ओवन में रोस्ट करने, तो पोटैटो भी अच्छे तरीके से गल गए हैं और ये चिकन भी। तो बस इजी एंड क्विक रेसिपी है ये, तो आप घर में कभी भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफिज़।